क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज का दूसरा T20 मैच आज शाम खेला जाएगा। शाम 7 बजे राजकोट के मैदान में मैच शुरू होगा, लेकिन इस मैच से पहले बड़ी खबर यह है कि आज शाम राजकोट में भारी बारिश हो सकती है और इसी वजह से मैच पूरे 20 ओवर का नहीं बल्कि 10 ओवर का हो सकता है, क्योंकि खुद कप्तान रोहित शर्मा ने इसे लेकर बयान दिया है। तो कैसा है आज राजकोट में मौसम और शाम को क्या होगा वेदर अपडेट, आपको सब कुछ बताते हैं, आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें। तो राजकोट के मैदान में होने वाले इस मैच पर तूफान माहा का खतरा मंडरा रहा है और अभी भी राजकोट में बादल छाए हुए हैं, तो ऐसे में आज शाम का मौसम आपको घंटे के हिसाब से अपडेट बताते हैं। तो अभी राजकोट में घने बादल छाए हैं और देर शाम 7 से 8 बजे तक भी यहां घने बादल ही रहने की संभावना जताई गई है। यही नहीं, रात 8 बजे के बाद राजकोट में बारिश हो सकती है और 9 बजे के बाद तो भारी बारिश भी हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी बताया कि महातूफान कुछ कमजोर जरूर हुआ है जिससे बारिश 10 बजे तक भी आ सकती है, मगर इतना तय है कि बारिश आएगी और इसीलिए मैच पूरा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा राजकोट में 10-10 ओवर का मैच खेला जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा से मौसम को लेकर भी सवाल पूछा गया था, तो रोहित ने भी कहा था कि वो किसी भी परिस्थिति में मैच खेलने को पूरी तरह तैयार है और उन्हें ओवर कम करने से कोई दिक्कत नहीं है। यानी कप्तान रोहित शर्मा 10 ओवर के मैच के लिए भी तैयार हैं और उसे भी जीत कर दिखाना चाहते हैं। वैसे बादलों की वजह से पिच को कवर करके रखा गया है तो यहाँ तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी, तो हम तो यही कहेंगे कि कम से कम मैच तो हो, भले ही वो 10 ओवर का हो या फिर 15 ओवर का। अब आपका इसे लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।